थैंक यू. गुड इवनिंग, नमस्कार. सभी वेलीज का आज इस फेसबुक लाइव सेशन में मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं. और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक्सिस बैंक के साथ हमारा नाता काफी पुराना है और अब काफी समय से हम सार्थक एचडीएफसी बैंक माफी चाहूंगा एचडीएफसी बैंक के साथ हमारा जो नाता है वो काफी पुराना है और अब हम काफी समय से उनके साथ काम कर रहे हैं. तो आज इस रिश्ते को हम एक कदम आगे लेके जा रहे हैं और उसमें हम एक नई सर्विस का लॉन्च करने जा रहे हैं जो कि बायोमेट्रिक प्रोसेस से हम अब अकाउंट अपना खोल पाएंगे. तो चलिए सर्विस के बारे में और जानेंगे, कैसे हमारे वीएलईज कस्टमर्स को फायदा पहुंचा सकते हैं. एचडीएफसी टीम भी हमारे साथ आज यहाँ पर मौजूद है. तो चलिए जल्दी से आज जो हमारे साथ गेस्ट जुड़े हैं उनका इंट्रोडक्शन मैं आप सभी से करा देता हूँ. सबसे पहले वी आर जॉइंड बाय मिस स्मिता भगत, हु इज द कंट्री हेड गवर्नमेंट एंड इंस्टीट्यूशनल बिजनेस, ऑल्टरनेट बैंकिंग चैनल एंड पार्टनरशिप्स, इंक्लूसिव बैंकिंग ग्रुप एंड स्टार्टअप्स. मैम, गुड इवनिंग, वेलकम टू टुडेज प्रोग्राम. From HDFC team, we are also joined by Mr. Ajay Sharma, Senior Vice President, Head Product, Digital Solution and Process, Alternate Banking Channels and Partnerships. Sir, good evening. Welcome to today's program. Last but not the least, from the HDFC team, we are joined by Mr. Dinesh Luthra, Executive Vice President and Business Head, Alternate Banking Channels and Partnerships. Sir, good evening. Welcome to today's program. Yeah, thank you. साथ ही साथ सीएससी परिवार से आज हमारे साथ संजय कुमार राकेश साहब, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ सीएससी. सर, गुड इवनिंग, वेलकम टू टुडेज प्रोग्राम. थैंक यू दीक्षांत. सभी पार्टिसिपेंट्स और सभी डीएवी भाई बहनों को नमस्कार. थैंक यू सर. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वी आर जॉइंड बाय मिस्टर हरीश ओबराय, फाइनेंशियल इंक्लूजन हेड सीएससी टीम से. सर, गुड इवनिंग, वेलकम टू टुडेज प्रोग्राम. थैंक यू दीक्षांत. तो जैसा कि मैंने शुरुआत में आपको बताया कि आज हम एक नई सर्विस का लॉन्च करने जा रहे हैं एचडीएफसी परिवार के साथ. तो चलिए सबसे पहले मैं दिनेश सर को इनवाइट करना चाहूंगा फॉर द वेलकम एड्रेस. थैंक यू दीक्षांत, और मैं आप सभी वीएलई भाई बहनों का स्वागत करता हूं. इनफैक्ट आई वेलकम ऑल ऑफ यू फॉर दिस सेशन टुडे. आई थिंक टुडे इज हिस्टोरिकल फॉर अस बिकॉज हम जहां पे भी ट्रैवल करके आप लोगों से जब मिलते हैं तो एक जो रिक्वायरमेंट सब वीएलईज ने हमसे यूनानिमसली एक्सप्रेस करी, यू नो, वन बेसिक रिक्वायरमेंट विच वाज आस्क्ड बाय ऑल वीएलईज वाज टू एनेबल बायोमेट्रिक फॉर अकाउंट ओपनिंग. एंड इट इज अ वेरी हैप्पी ओकेजन फॉर अस टुडे कि यू नो हमने जो आपका फीडबैक था उसके ऊपर काम करके आज उस फैसिलिटी को लाइव किया है आप सब लोगों के लिए. वो आप बायोमेट्रिक बेसिस के ऊपर अकाउंट ओपन कर सकते हैं और यू नो जो एचडीएफसी बैंक के बाकी प्रोडक्ट्स हैं वो भी रेंडर कर सकते हैं. तो लास्ट यू नो लास्ट फ्यू इयर्स अगर आप देखें एचडीएफसी बैंक और सीएससी की जो पार्टनरशिप है, आई थिंक हमने इसको यूनिक बनाने की बहुत कोशिश करी है और उस यूनिकनेस के अंदर जो एक मॉडल हमने डिपेक्ट किया वो बहुत सिंपल मॉडल था कि जो भी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हमारी बैंक की ब्रांचेस अवेलेबल होती हैं, जो ऑल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विच आर अवेलेबल विद द बैंक ब्रांचेस शुड बी एनेबल्ड विद ऑल ऑफ यू. तो आप सब लोग भी वही प्रोडक्ट और सर्विसेज कर सकें जो हमारी बैंक की ब्रांचेस हैं. एंड ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स हमने वो पूरी कोशिश करी है कि हम वो सारे प्रोडक्ट्स आपके साथ लाइव करें. आज की डेट पे 40 से ज़्यादा प्रोडक्ट और सर्विसेज आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं. बट हमने ऑल्सो यू नो प्रोडक्ट लॉन्च करने के बाद रियलाइज किया कि थोड़ी जर्नीज के अंदर इम्प्रूवमेंट भी बहुत जरूरी है. और आज यू नो उस जनरली हम इस प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए आए हैं, बट पहली बार है कि हम एक प्रोसेस इम्प्रूवमेंट के साथ इस प्लेटफॉर्म के लिए के ऊपर आए हैं. और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि ऐसे ही और भी प्रोसेस इम्प्रूवमेंट्स आपको इस प्लेटफॉर्म पे एचडीएफसी बैंक के साथ मिलेंगे. बायोमेट्रिक अकाउंट ओपनिंग के अलावा एक जो बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट जो आप लोगों ने एक्सप्रेस करी है वो अकाउंट बेस्ड कैश डिपॉजिट की फैसिलिटी की है. दैट ऑप्शन विल आल्सो बी एनेबल्ड सून फॉर यू. अलोंग विद इट सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट की APY PMSBY उसके अंदर भी बायोमेट्रिक की इनेबलमेंट के ऊपर हम काम कर रहे हैं और वो भी आपको जल्द मिलेंगी ताकि यू नो वो भी आप सीमलेस कर पाएं. इस प्लेटफॉर्म पे मैं एक प्रोडक्ट के बारे में और भी बताना चाहूँगा आपको. दुकानदार ओवरड्राफ्ट एक बहुत रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है और वहाँ पे भी हमने रियलाइज़ किया कि कई कई बार ऐसा होता है कि आप स्टेटमेंट जब अपलोड करते हैं तो उसमें समय लगता है. तो
तो अकाउंट एग्रीगेटर का प्लेटफॉर्म यूज करके हम उसको भी एनेबल कर रहे हैं। मेरा मकसद इन चीजों को आपको बताना यही है कि आने वाले समय में जो आपकी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हम आपको अवेलेबल कराते हैं, उसके अंदर थोड़ा जर्नी के अंदर इम्प्रूवमेंट हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं और वो सब चीजें आप लोगों को आने वाले समय में मिलेंगी। तो ज्यादा समय ना लेते हुए आई लुक फॉरवर्ड टू ऑल ऑफ यू एक्सपीरियंसिंग दिस न्यू जर्नी दैट हैज बीन बिल्ट फॉर यू। इनफैक्ट आगे वाले सेशन में मेरे कलीग आपको थोड़े और डिटेल में इसके बारे में जानकारी देंगे कि ये पूरा प्रोसेस किस तरीके से चलेगा। और मेरी बिलीफ बहुत स्ट्रांग है कि आई थिंक जो हम अभी कर रहे हैं उससे हम इजीली डबल कर सकते हैं। तो माई ओनली रिक्वेस्ट टू ऑल द VLEs who are there on the call is to please experience the new journey। नए अकाउंट आप उससे ज़्यादा खोल सकते हैं, नए अकाउंट खोलने से ज़्यादा इंसेंटिव बन सकता है और इंसेंटिव के अलावा भी इनफैक्ट जो क्रॉस सेल की अपॉर्चुनिटीज़ है अकाउंट के साथ वो आपके लिए अवेलेबल होंगी। तो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड लुक फॉरवर्ड टू ऑल ऑफ यू एक्सपीरियंसिंग दिस न्यू जर्नी एंड पुटिंग अप दीज प्रोडक्ट्स फॉर योर कस्टमर्स इन योर कैचमेंट। थैंक यू सो मच सर। और जैसा कि लूथरा सर ने बताया, हमारा ऑब्जेक्टिव HDFC बैंक के साथ मिलकर यही है कि हमारे CSCs को हम एक मिनी बैंक बनाएं और जितनी भी सर्विसेज आप एक प्रॉपर HDFC बैंक पर जाकर लेते हैं वो सारी सर्विसेज आप CSC पर भी लोगों को दे पाएं। उसी मुहिम में आज हमने एक कदम और आगे बढ़ाया है। तो चलिए, जो प्रोसेस के बारे में हम बात कर रहे हैं कि बायोमेट्रिक का जो प्रोसेस है इंस्टेंट अकाउंट ओपनिंग के लिए, उसको समझते हैं। तो अजय शर्मा सर हमारे साथ जुड़े, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस प्रोसेस के बारे में हमारे VLEs को थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दें। नमस्कार सार्थक, थैंक यू वेरी मच। आई होप कि मेरी आवाज क्लियरली आ रही है। जी मैं सर, सभी VLE भाइयों बहनों को सबको सबका हार्दिक अभिनंदन करूंगा पहले तो, और धन्यवाद करना चाहूंगा कि पिछले काफी समय से हमारे साथ जुड़ के हमारे साथ काम कर रहे हैं। तो ये जो आज की जो ये प्रोसेस में जो हम चेंज हम लेके आ रहे हैं, वो हम बायोमेट्रिक फैसिलिटी अकाउंट ओपनिंग के लिए इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अभी तक जो हमारे पास सुविधा थी वो EKYC OTP की थी, और आप सभी जानते हैं कि अगर कस्टमर मोबाइल नंबर चेंज कर ले तो उसे OTP नहीं आता, क्योंकि आधार के साथ मोबाइल नंबर की लिंकेज आवश्यक है। UID अगर सर्वर ना चल रहा हो तो OTP नहीं पहुंचता, जिससे अकाउंट ओपनिंग में असुविधा होती है। नेटवर्क कनेक्टिविटी का इशू हो तो भी ये सुविधाएं पॉसिबल नहीं है, और अगर फिजिकल डॉक्यूमेंट कस्टमर ना लाए साथ में तो वो उसकी स्कैनिंग करना VLE के लिए पॉसिबल नहीं है। और इसके चलते बहुत सी समस्याएं थी जो एक अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस में हम आज तक देखते आ रहे थे। सार्थक, अगर आप प्रेजेंटेशन भी साथ में लगा दें तो मैं साथ में फिर VLE भाइयों को आई टेक यू तो ये जो तरीके तरीके की समस्याएं रही हैं, ये जो अभी तक हमारा अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस है उसमें हमने ये महसूस करी, और इनका किस तरीके से सोल्यूशन, हाउ कैन बी यू नो मेक इट इजियर फॉर अ VLE टू ओपन द अकाउंट, उस संदर्भ के साथ, उस ऑब्जेक्टिव के साथ हमने आज ये बायोमेट्रिक की फैसिलिटी अकाउंट ओपनिंग के लिए लॉन्च की है, जिसके चलते सारे सेविंग्स अकाउंट जो है वो बायोमेट्रिक के थ्रू आप ओपन कर पाएंगे। सार्थक, आप स्लाइड आगे बढ़ा सकते हैं। हाँ, ये मैंने बोल दिया, अगले वाली स्लाइड पे आ जाइए। तो इसके लिए आवश्यक क्या क्या चीजें हैं, अब देखिए, अगर बायोमेट्रिक सुविधा देनी है, कस्टमर का अकाउंट खोलना है, तो उसके लिए क्या क्या चीजें आवश्यक हैं। तो एक एजेंट के लिए, एक VLE के लिए, सबसे पहले तो बायोमेट्रिक का डिवाइस का होना बहुत जरूरी है। तो आपके सेंटर पे कोई भी RD सर्विस जो है उसका होना आवश्यक है। दूसरा, उस RD सर्विस का इंस्टॉलेशन जरूरी है कि आपके लैपटॉप डेस्कटॉप के ऊपर वो सर्विस इंस्टॉल्ड हो, और उसके लिए CSE का जो हेल्प डेस्क है वो आपकी मदद करेगा RD सर्विसेज इंस्टॉलेशन के लिए। तीसरा, मोज़िला फायरफॉक्स का जो ब्राउजर है उसके ऊपर ये सुविधा सबसे बेस्ट चलती है, सबसे अच्छी चलती है, इट रन्स बेस्ट ऑन द मोज़िला ब्राउजर। तो वो एक अहमियत बन जाती है, एक रिक्वायरमेंट बन जाती है। कस्टमर के लिए क्या आवश्यक है, कस्टमर के लिए ये चूज करना आवश्यक है, ये निर्धारित करना आवश्यक है कि वो बायोमेट्रिक के थ्रू अकाउंट खोलेंगे।
तो ये बिकॉज बायोमेट्रिक जो आधार जो है कस्टमर के ऊपर निर्भर करता है उसका यूसेज, इसलिए कस्टमर का कंसेंट बहुत जरूरी है कि हम कस्टमर से पूछें। उसका इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट खोलने के लिए बहुत जरूरी, क्योंकि अगर अकाउंट में पैसे तभी मेंटेन करेंगे अगर वो इच्छा से अकाउंट खोल रहे हैं। और ये जो हम अकाउंट खोलते हैं वो नए कस्टमर के लिए खोलते हैं जिसका बैंक के साथ खाता नहीं है। इसके कारण न्यू टू बैंक कस्टमर जो है वो उसके लिए सुविधा सबसे इम्पॉर्टेंट है और अहम है। सार्थक अपनी अगली स्लाइड पे चल सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे कि आपने इसमें करना क्या है, राइट, तो इंस्टेंट अकाउंट ओपनिंग जो है वो आप बायोमेट्रिक के थ्रू, जर्नी में कुछ चेंज नहीं है। देखिए, जैसे आप पहले भी अभी तक अकाउंट खोलते आ रहे हैं अकाउंट वैसे ही खुलेगा। जहां पे ईकेवाईसी ओटीपी हम लेते थे उसकी जगह पे आपको एक और सुविधा दी गई है बायोमेट्रिक केवाईसी लेने की। तो आपने जब वो कर दिया तो अकाउंट कस्टमर का जो है वो तुरंत खुल जाएगा। सामने अकाउंट नंबर कस्टमर को मोबाइल पे आ जाएगा, ईमेल पे आ जाएगा। उसको फुल सर्विस करने के लिए हमने वीडियो केवाईसी का भी जो पैकेज है या फिर वीडियो केवाईसी की सुविधा है वो पहले 10 मिनट की, जिसको घटा के हमने 3.5 मिनट का कर दिया है। तो वो भी हमने इसका पैकेज जो है साथ में चेंज किया है। इसके लिए कस्टमर को अपने पास पैन रखना जरूरी है। प्रोसेस बहुत ही साधारण कर दिया है, सिंपल कर दिया है। पहले सवाल पूछे जाते थे वो हटा दिए हैं। साथ ही साथ हमने इसमें रीजनल लैंग्वेजेस भी हमने इंट्रोड्यूस करी है। तो आज एक कस्टमर जो है वो हिंदी में एजेंट से बात कर सकता है, वीडियो केवाईसी के लिए मराठी में कर सकता है, गुजराती में कर सकता है, तमिल में कर सकता है, तेलुगु में कर सकता है, इंग्लिश में। तो ये सुविधा पहले ही थी। और कुछ समय में हम बाकी की जो लैंग्वेजेस हैं, मेजर लैंग्वेजेस हैं, वो भी हम इंट्रोड्यूस करेंगे अगले 2 से 3 महीने में। तो अकाउंट ओपनिंग आपका बायोमेट्रिक से हो गया, हाथ ही हाथ आपने वीडियो केवाईसी भी कस्टमर की कर दी सिंप्लीफाइड प्रोसेस से। तो ये सोने पे सुहागा है। दैट्स हाउ इट कैन वर्क द बेस्ट। सार्थक, वी कैन मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, ये इसके बेनिफिट्स क्या हैं? करेक्ट, एक तो इंस्टेंट अकाउंट ओपनिंग है, करेक्ट, और आपके पास, सबके पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बायोमेट्रिक का वो सबके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, क्योंकि सीएससी की सुविधाएं जो है, सर्विसेज जो है, वो बायोमेट्रिक पे चलती हैं। तो इसके लिए आपको कुछ एडिशनल डिवाइस लेने की आवश्यकता नहीं है। कस्टमर की जो डिटेल्स है, आइडेंटिटी की जो डेटा है, वो ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। जब आप उसका थंब इम्प्रेशन लेंगे तो यूआईडीए से जो इंफॉर्मेशन आती है उससे जो फॉर्म जो है वो प्री फिल हो जाता है। तो इसमें जो फॉर्म जो है वो ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा, प्री फिल हो जाएगा, आपको फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। कस्टमर का एक्सपीरियंस बहुत बेहतर है और इसके साथ साथ जो कन्वीनियंस है वो बहुत बहुत बढ़ जाती है, कस्टमर के लिए नहीं बल्कि आपके लिए भी। क्योंकि जो अभी तक आप हर प्रोसेस में मेरे ख्याल से 10 1 मिनट 10 12 मिनट लगाते थे वो अब घट के काफी कम, हमारी अंदेशा है कि काफी कम हो जाएगा। तो आइए, ये कुछ जो एडवांटेजेस हैं, जो बेनिफिट्स हैं इसका, जो हमने एक टेस्ट किया कुछ चुनिंदा वीएलई भाइयों के साथ, तो उनका एक्सपीरियंस हम आपको सुनाते हैं। आप इसको सुविधा को यूज कीजिए, ये हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, और फीडबैक जरूर दीजिएगा। इसके साथ मैं आपका सबका धन्यवाद करना चाहूंगा। सार्थक, आप वीडियो चला सकते हैं वीएलईस का सबके लिए। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। सार्थक, वो वीडियो प्लीज लगा दीजिए। तो जैसा सर ने बताया कि काफी स्मूथ और इजी कर दिया अब हमने अकाउंट ओपनिंग का जो प्रोसेस है, और काफी वीएलईज इसको यूज करने ऑलरेडी लग गए हैं। उनके फीडबैक हम एक वीडियो के थ्रू, एक टेस्टिमोनियल वीडियो है उसके थ्रू हम लोग आपके तक पहुंचाना चाहेंगे। तो चलिए चलिए वो वीडियो को देखते हैं। नमस्ते, मैं अनिल जाधव, महाराष्ट्र सातार से। एचडीएफसी बैंक ने जो अभी रिसेंटली बायोमेट्रिक का अकाउंट ओपनिंग का नया प्रोसेस लाया है उसकी जानकारी देना चाहता हूँ। मैंने बायोमेट्रिक अकाउंट ओपनिंग करने शुरू किया है। ये बहुत इजीली है क्योंकि कस्टमर को फिंगर देकर हम अकाउंट ओपनिंग करते हैं जो पेपरलेस है। कस्टमर की एचडीएफसी बैंक से डिजिटल जर्नी बहुत अच्छी चल रही है। पहले ओटीपी का इंतजार करना पड़ता था, आधार नंबर कई बार कस्टमर का लिंक भी नहीं होता था, तो उस केस में हम खाता खोलने से रह जाते थे। कस्टमर का जो बायोमेट्रिक लेते हैं वो तुरंत ही उनका अकाउंट विद इन 3 मिनट में ओपन हो जाता है। जैसे हम अकाउंट ओपन करते हैं उनके मेल के ऊपर उनका अकाउंट नंबर और कस्टमर आईडी चला जाता है।
और मोबाइल को बैंकिंग कहते हैं, उसके थ्रू वो वीडियो केवाईसी करके अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। इससे क्या हुआ है, कस्टमर भी बढ़ रहे हैं हमारे पास और काम भी थोड़ा सा बेनिफिट है इसमें। ओटीपी का कोई तो जैसा कि आपने देखा कि हमारे VLE जो इस सर्विस को सिटीजंस तक लेकर जा रहे हैं वो कितना खुश हैं इस सर्विस से, तो सोचिए कि कस्टमर्स कितना खुश होंगे। और जो इंस्टेंट अकाउंट ओपनिंग को हमने अब लिटरल सेंस में इंस्टेंट कर दिया, बहुत ही कम समय लगता है अब अकाउंट को खोलने में। सो थैंक्स टू द एंटायर HDFC टीम। तो चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं। संजय सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा हम सभी को एड्रेस करने के लिए। थैंक यू दीक्षांत मैडम, इसका भगत अजय शर्मा, दिनेश गुप्ता जी, जो HDFC की टीम है, ये बड़ी अच्छी बात है कि ऐसा लग रहा है कि CFC की टीम धीरे-धीरे, सॉरी HDFC की टीम धीरे-धीरे CFC के इकोसिस्टम को ज्यादा से ज्यादा अच्छी तरह समझ रही है। प्रोडक्ट के साथ जो ये प्रोसेस इंप्रूवमेंट का जो प्रोसेस उन्होंने शुरू किया है, वाकई काबिले तारीफ है। इसके लिए उनको हम सब लोग धन्यवाद देते हैं, क्योंकि हमारे सिस्टम के लिए बायोमेट्रिक्स से काम करना बड़ा ही आसान है। हमारे सारे VLE बायोमेट्रिक से ही काम करते हैं। पिछले 1.5 साल में उन्होंने तो 25 करोड़ से ज्यादा EKYC कर दिया। EKYC बेस्ड अकाउंट खोलने का जो भी आइडिया और जो प्रोसेस उन्होंने बनाया है, ये हम सबके लिए, आपके लिए, भी सबके लिए बड़ा आसान है और इससे सक्सेस रेट भी ज्यादा होगा। ये जैसा कि हम सबको मालूम है बैंकिंग और आप तो कर रहे हो, तो ग्राहक का फेथ आप पे बना रहे हैं, वो जब आपके पास आए तो उसको निर्णय मिल जाए, ये बहुत जरूरी है। पहले जो प्रोसेस था उसमें OTP का एक इशू था, लेकिन इसके अलावा ये भी था कि अगर उससे ना जाए तो पेपर जमा करने पड़ते थे, बैंक से अप्रूवल आता था। नाउ सब कुछ ला करके एक सिंपल प्रोसेस रख दिया गया है। आप आए, अपना पैन रखते, अपना डिटेल्स रखते और बायोमेट्रिक्स दे, आधार बताए और वहां से आपके नाम भी आ जाएंगे और बाकी डिटेल्स भी आ जाए। आप वेरीफाई करें अपनी ऑथेंटिसिटी, आपका अकाउंट नंबर जनरेट हो, उसके बाद वीडियो KYC कर लें और फिर आपको आपका अकाउंट फंक्शनल हो गया। ये पूरा प्रोसेस बहुत ही सिंपल और बहुत अच्छा होगा, इसके लिए सच में HDFC की पूरी टीम को बधाई। और HDFC के साथ जो CSC मिलकर काम कर रहा है, जिसका मेन पर्पस ये है कि CSC सेंटर्स जो है वो बैंक के आउटरीच सेंटर्स बन जाए, और उस तरह से वो काम भी हम लोग भी कर रहे हैं, जिससे कि कस्टमर को HDFC ब्रांच जाने की जरूरत ही नहीं पड़े अपने रूटीन काम, उनका सारा का सारा रूटीन काम यहाँ हो जाए। जब कोई कॉम्प्लिकेटेड काम हो या कोई वैसा इशू बनता हो, तब तो डेफिनेटली ब्रांच मैनेजर है और आप ही ले जाकर के CSC अपने VLE जो है वही उनको ब्रांच में ले जाकर करके उनका काम करवा दें। सबसे अच्छी बात है कि HDFC की जो बड़ी टीम है अलग से काम करती है, सारे VLE से सबसे मिलकर करके होती है। ये सपोर्ट सिस्टम यूनिक है और जो हमारे VLE सब लोग काम कर रहे हैं, आप लोग सब लोग जो काम कर रहे हैं, काफी अच्छा सपोर्ट सिस्टम है। ये लाइबिलिटी का है, अकाउंट खोलने का है, इसके अलावा असेट में भी HDFC ने काफी अच्छा ग्रोथ दिखाया है। मतलब यह है कि HDFC का और CSC का जो रिलेशनशिप है वो स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, मल्टीफैसेटेड होता जा रहा है, और इसमें आप सबका बहुत बड़ा योगदान है। HDFC के साथ हम लोगों ने ये बात किया है कि हमारे जो आप जो हो, VLE जो है, जो HDFC से जुड़े हैं, क्या हम हरेक का मिनिमम इनकम 10,000 से ऊपर ले जा सकते हैं, जो बाकी अच्छे वाले हैं उनका तो और ज्यादा जाए, उनका 50,000 बट जो छोटे छोटे हैं जो नहीं कर पा रहे हैं, उनकी हम कैपेसिटी बिल्ड करके प्रोडक्ट का रेंज ला कर करके प्रोसेस को इम्प्रूव कर उनको इनेबल कर करके इस लेवल पे लाए, वो 10,000 से ऊपर कमाए, ताकि ये सिस्टम सस्टेनेबल हो। इस एफर्ट दिशा में भी हमारी पूरी टीम काम कर रही है, आपसे भी सपोर्ट की जरूरत है। सारे VLE जो है, ये बताओ कि आपको काम करने में HDFC में
कहां बाधा आती है जानना बहुत आप सिंसियरली काम कर रहे हो लेकिन अगर ट्रैक्शन नहीं मिल पा रहा अगर आपके पास उतने कस्टमर नहीं आ पा रहे तो कैसे मिलकर के ब्रांड से मिलकर के आउटरीच एफर्ट किया जाए गाँव में कैंप लगा दिया जाए जहां भी आप जानते हो किसी स्कूल किसी पब्लिक ऑफिस में या किसी डिस्ट्रिक्ट एरिया में जाकर करके कैंप लगा कर करके आप HDFC की टीम मिलकर के लोगों को बताएं कि HDFC से बिजनेस कैसे कर सकते हैं क्या क्या और लोकल सपोर्ट आपका है पीछे रहे HDFC बैंक तो ये पार्टनरशिप काफी अच्छा है और बड़ी अच्छी बात है कि अब प्रोसेस इंप्रूवमेंट की तरफ जा रहे हैं नए प्रोसेस डालने की बात हो रही है तो ये सब मिला करके वी विल हैव सॉलिड रिलेशनशिप इसका बहुत अच्छा फ्यूचर है एंड देन वी विल एक्सपैंड जो PC है आई थिंक कि बैंक अकाउंट तो DA भी खोल सकते हैं आई जस्ट नीड दिस कंफर्मेशन कर सकते हैं जी सभी सभी खोल सकते हैं बिल्कुल हां तो ये अगर है तो फिर तो सारे अपने 4-5 लाख सारे रियली जो है जो बैंक के फैसिलिटेटर है जिसके लिए बीसी होना जरूरी नहीं है वो भी बैंक अकाउंट खोल सकते ये एक सबको फैलाने वाली बात है कि जो बीसी है वो तो कर ही सकते हैं जो बीसी नहीं है जो बैंक के फैसिलिटेटर है जिसको HDFC ने आइडेंटिफाई किया वो भी अकाउंट खोल सकते हैं इस प्रक्रिया से और मुझे नहीं लगता है कि बायोमेट्रिक ऑपरेट करने में किसी लेनिंग को कभी कोई दिक्कत हुई आज तो और भी अच्छी स्थिति ये हो गई है कि अगर अंगूठा वाला नहीं चलता हो तो आंख का आयरिस बेस्ड ऑथेंटिकेशन करनी फेलियर रेट बहुत कम इट्स वेरी लो एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ द रियली हैव आयरिस ऑल्सो So all things put together, it's a journey forward, building the relationship with the HDFC. And I thank HDFC for their commitment to make the CSE system more robust and functional. अब सारे BLE का हमारे सिस्टम की ये जिम्मेदारी है कि HDFC का ये जो मूवमेंट है और जो हमारा रिलेशनशिप है इसको आगे लेकर जाए अब हरीश की टीम और HDFC की टीम अगले कुछ दिनों में कैंपेन कराई करेगी और जिससे BLEs को प्रोसीजरल जानकारी हो जाए और उनको शुरुआत में अगर कोई दिक्कत हो तो उनको सपोर्ट सिस्टम आई विश कि ये जो नया प्रोसीजर आया है मेक द अकाउंट ओपनिंग वेरी सिंपल विल लीड टू इंक्रीज इन द अकाउंट ओपनिंग एंड पोस्ट अकाउंट ओपनिंग ऑपरेशनल ऑफ द अकाउंट ऑल्सो इन ए वेरी सिग्निफिकेंट स्केल And with this hope, I wish all of you very good journey with the HDFC and request all of you to give us the feedback. ये नया procedure कैसा चल रहा है कहीं hiccups है कि नहीं है क्योंकि हमारी टीम अभी रेडी है HDFC की टीम रेडी है कि जो भी procedural और operational issue आएंगे we'll handle it and make the whole process and the journey very smooth for you. So all the best for all the BLE and let's work together and make this relationship much strong. Thank you. Thank you so much, sir. और जैसा आपने कहा फ्यूचर बहुत ही प्रॉमिसिंग है HDFC बैंक के साथ और आने वाले समय में इस प्रोसेस को और स्मूथ करेंगे ताकि आप VLEs का जो एक्सपीरियंस है वो अच्छा हो कस्टमर्स का एक्सपीरियंस अच्छा हो और इस प्रोसेस के लिए हमारे साथ HDFC बैंक से स्मिता मैम जुड़े हुए हैं जो काफ़ी समय से हमारी टीम के साथ मिलकर काम कर रहे हैं तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा हम सभी को एड्रेस करने के लिए थैंक यू दीक्षांत थैंक यू सभी VLE भाइयों और बहनों को मेरा नमस्कार It is always a pleasure and delight to interact with you and meet you when I travel and talk to you. हमेशा हमने आपको जब से अपन जुड़े हैं आपको हमारे बैंक का पार्ट ही समझा है और धीरे धीरे जैसे सारे प्रोडक्ट्स हमारी ब्रांचेस जो देती हैं हम लोग उनकी जर्नीज और जो प्रोडक्ट हैं वो आपके लिए लेके आ रहे हैं जिससे जो हमारा ड्रीम और विजन है जैसे कि संजय जी ने बताया कि हर BLE जो है मिनिमम HDFC बैंक से 10,000 रुपए कमाए आप बहुत सारे लोग हैं आप जब मैं मिलती हूँ आप बोलते हो कि मेरे को जीरो बैलेंस अकाउंट चाहिए 500 रुपए का अकाउंट चाहिए एक्सेट्रा मैं आपको ये बोलूंगी कि अगर 10,000 रुपए कमाने हैं तो आप अपने गांव में विलेज में यू सी विच आर द टॉप 30% पीपल जिनको आप अकाउंट खोल सकते हो अकाउंट को एक्टिवेट करा सकते हो बैलेंस ला सकते हो
क्योंकि उन्हीं को आप लोन भी दे पाओगे, उन्हीं को आप क्रेडिट कार्ड भी दे पाओगे। आपके आसपास जितनी दुकानें हैं, जो दुकानें अच्छा काम करती हैं, उनके आप अकाउंट खोलोगे और उनको भी ये सुविधाएं दोगे तो आपकी अर्निंग्स और बढ़ेंगी। तो अगर हम सही तरीके का अकाउंट खोलेंगे, उसको आगे लोन और क्रेडिट कार्ड दे पाएंगे तो हमारी इनकम भी बढ़ेगी। अगर हम अकाउंट खोलेंगे जो कि जीरो बैलेंस है और एक्टिवेट नहीं होता है, तो उसको आगे हम और बैंकिंग प्रोडक्ट भी नहीं दे पाएंगे। तो मेरा आप सबको ये कहना है कि आप अच्छे अकाउंट खोलो। आप में से बहुत सारे लोग जिनको जो मैंने अभी डिफरेंट स्टेट्स में ट्रैवल किया है लास्ट 6 महीने में, आप सबने मुझे ये कमिटमेंट दी थी कि अगर ये बायोमेट्रिक अकाउंट और कैश डिपॉजिट लेके आएंगे तो आप सब बिजनेस जो है 3 to 5 times कर सकते हो। बिकॉज जो आज आपको दिक्कतें आती हैं, उसको आप वो दिक्कतें आपकी कम हो जाएंगी। मेरा ये भी कहना है कि कोई नई चीज आती है तो शुरू में थोड़ा सा चेंज होता है, उसमें सेटल होने में टाइम लगता है। नेक्स्ट 10-15 दिन आप सब अपने अपने सेंटर पे ट्राई करो बायोमेट्रिक अकाउंट खोलने का। कोई दिक्कत आती है आप बताओ। हमारा हम सब ये चाहते हैं कि नेक्स्ट 10-15 दिन के अंदर ये प्रोसेस सेटल हो जाए और मार्च जो है वो अब तक का सबसे अच्छा महीना बने और हम लोग ये साल जो ईयर एंडिंग है 31 मार्च, वो CSC और HDFC बैंक की पार्टनरशिप के लिए बेस्ट एवर मंथ बने। ये आने के बाद और भी अगले साल जो मैं आपके अपने ट्रैवल में आप लोगों को कमिटमेंट दे रही हूँ कि नेक्स्ट 3 से 4 महीने में आपको बहुत सारी जो जर्नीज हैं वो इतनी सिंपल हो जाएंगी कि आपको अकाउंट खोलना हो, लोन देना हो, सब आसान हो जाएगा। पर मेरी आप सबसे विनती है एंड एक्सपेक्टेशन है कि जैसे जैसे हम आपके लिए चीजें सरल बनाते जाएं, प्रोडक्ट और लाते जाएं, आप भी थोड़ा एफर्ट करो कि आप सब भी अपना एम्बिशन रखो कि मेरे को 10,000 क्यों और कहीं ज्यादा बहुत ज्यादा कमाना है। मैं बिहार झारखंड जगह में गई और वहां हमारे VLE बहुत 2-3 VLE से मिली जो 50,000 रुपए से ऊपर कमा रहे हैं। सब जने क्यों नहीं कमा सकते, हम तो बहुत खुश हैं। आपको जो चाहिए हम देने को तैयार हैं। आप कोशिश करो अच्छे अकाउंट, अच्छे लोन की लीड्स लाओ तो आपको मतलब आई कैन ओनली से स्काई इज द लिमिट। सो वी आर ऑल देयर टू सपोर्ट यू, वी आर ऑल देयर टू मेक योर जर्नी सिंपलर, वी आर ऑल देयर टू मेक श्योर दैट व्हाटएवर इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स यू फेस दे ऑल विल बी एड्रेस्ड इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। मैं हमेशा ये बोलती आई हूँ और पहले भी बोलती हूँ कि हमारी और CSC की, HDFC बैंक और CSC की पार्टनरशिप है, वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की एक मिसाल बननी चाहिए इंडिया के इकोसिस्टम में, दैट इफ पब्लिक एंड प्राइवेट कम टुगेदर फॉर द राइट रीजन एंड कॉज, दे कैन एक्चुअली मेक डिफरेंस फॉर द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। तो थैंक यू वेरी मच एंड 45 days बचे हैं हमारा ये क्वार्टर एंड होने में। Let us make March as the best ever month for this partnership. I wish you all the very best and give you commitment that all of us are here 24/7 to support you. But let us all work together to make it really, really a good month, which gives us motivation ki hum aage ka saal jo hai wo bahut acha banayenge aur 2 saal jo humne COVID mein khoye hain usko hum इंश्योर करेंगे कि ये जो पार्टनरशिप है जो पहले 2-3 साल में होनी चाहिए थी उससे कहीं आगे बढ़ के जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच मैम, और जैसा मैम ने कहा आप सभी मेहनत करने के लिए तैयार रहिए। HDFC बैंक, CSC की टीम, हम सभी आपके साथ हैं, आपके लिए नई सर्विसेज लेकर आएंगे और जो एग्जिस्टिंग सर्विसेज हैं उसको और ईजी बनाएंगे। तो चलिए हमारे साथ हरीश सर भी इस समय जुड़े हुए हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा फॉर द थैंक यू एड्रेस। Thank you, Dikshan. Just as a confirmation, I am sure I am audible, Dikshan. Yes, sir. Okay, thank you. So first of all, big thanks to entire HDFC team for your kind support. And as rightly said by Sanjay sir, ki hum ek target rakhna hai 10,000 rupee ka. So I assure you from on behalf of all the VLE sir, jo hum logon ne jo abhi ek kaam kar rahe hain, jisme hamari ichha hai zyada se zyada hum VLEs ko lekar aa paaye. जस्ट एक मैसेज VLE को यहाँ से देना चाहूंगा कि आज अगर हम देखते हैं सभी बैंक्स के साथ तो बात होती है प्रोडक्ट्स की, तो यहाँ पर हमारे पास काफी अच्छे
कैटेगरी है प्रोडक्ट जिसमें मैं देखता हूँ 7 से ज्यादा अकाउंट हैं, 14-15 से ज्यादा हमारे पास लोन के प्रोडक्ट हैं, ईएमआई कलेक्शन है, क्रेडिट कार्ड है, आरडीएफडी है। तो विच मीन्स अगर रियली जो भी भाई बहन हमें सुन पा रहे हैं, अगर वो अपने एरिया में 5 से 6 प्रोडक्ट भी अगर हम अच्छे से करते हैं तो 10,000 कोई बहुत बड़ा माइलस्टोन मुझे नहीं लगता। और आप लोगों के सपोर्ट के लिए हमारी पूरी एफआई टीम है, हेड ऑफिस से हम लोग हैं, आपको हर तरफ से किसी भी तरह का ट्रेनिंग का प्रोग्राम हो या किसी भी तरह से कन्वर्जन के लिए इम्प्रूवमेंट करना होगा, डेफिनेटली आई एम विद ऑल द रियलिस्ट। सो दिस इज जस्ट टू स्टार्ट। जस्ट इसमें एक पॉइंट और ऐड करते हैं कि हम लोग HDFC बैंक के साथ, क्योंकि जब हम ये खाते खोलते हैं तो कई बार एक कंप्लेंट ऐसा भी आता है कि सर AEPS से जमा नहीं कर पा रहे। द बेस्ट पार्ट इज आने वाले दिनों में हम लोग काम कर रहे हैं HDFC बैंक के साथ जहां पर OTP बेस्ड डिपॉजिट भी हो जाएगा, तो विच विल बी अनदर माइलस्टोन वी कैन से इन कमिंग डेज। तो आने वाले दिनों में जैसे ही हम वो लाइव करते हैं 15-20 दिन में, तो उसका एक बार दोबारा से VLE को प्रोसेस एक्सप्लेन करेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई अगेन वुड लाइक टू थैंक्स टू संजय सर ऑल्सो टू मोटिवेट अस एंड इंस्पायर अस टू डू लॉट ऑफ न्यू टू न्यू थिंग्स ऑन अ डे बाई डे बेसिस। सो थैंक यू HDFC टीम, थैंक यू संजय सर, थैंक यू दीक्षांत, थैंक यू VLE टू पार्टिसिपेट इन दिस सेशन, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सो मच सर, और एक बार फिर से सबको मुबारकबाद देना चाहूँगा इस लॉन्च के लिए और इस पार्टनरशिप को HDFC बैंक के साथ हम डेली बेसिस पर, मंथली बेसिस पर और स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। सो सभी गेस्ट का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद आज के सेशन में जुड़ने के लिए। आप सभी VLEs का भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का दिन शुभ रहे। नमस्कार। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।